स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और ऐसी तैयारी कर रहे होंगे जो भी एग्ज़ाम आप चाहते हैं निकालना करना। तो फिलहाल उसी से रिलेटेड एक और अपडेट आई है। SSC ने फेज 7 की यहाँ पर वैकेंसी निकाली है और बम्पर भर्ती है। आप लोगों के लिए बम्पर ही कहेंगे, क्यों? क्योंकि अभी लाइन से आपको वैकेंसी पे वैकेंसी मिलती जा रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ SSC की तरफ से भी काफ़ी आपको वैकेंसीज अभी कंटिन्यूसली आ रही है और आपको इन्हीं वैकेंसीज का फ़ायदा उठाना है। आने वाले टाइम पे वो आए या नहीं आए, या फिर लेट आए, इसके लिए वेट करेंगे या फिर इसे लापरवाही से छोड़ देंगे तो आपका ही नुकसान है। तो आपको मेहनत करनी है और इसी बार लेके रहना है जो भी आपकी वैकेंसी आप चाहते हैं। तो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट, नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम है यहाँ पर, ये पूरी मतलब नॉन टेक्निकल सिलेबस होने वाला है और जॉब जो रहेगी वो टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों मिक्स रहेगी, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके की वैकेंसीज होंगी। असिस्टेंट की वैकेंसी होंगी आपके, एंड डाटा एंट्री की होंगी आपके, यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की भी होंगी अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो यहाँ फेज 7 की जो वैकेंसीज हैं वो काफ़ी डिटेल में अलग अलग रीजन की अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज होती हैं। तो 1350 यानी 1350 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर हैं आपकी, और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। अपने रीजन में भी आप कर सकते हैं काम और अदर रीजन में भी आप लोग कर सकते हैं। बेसिक सी चीज़ बताऊं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो ये आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों लेवल पर अलग अलग एग्जामिनेशन भी है इसमें, यानी कि 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th वाले भी और ग्रेजुएशन वाले भी। उनके लिए अलग अलग पोस्ट होंगी जो आपको सिलेक्ट करनी होंगी, प्रेफरेंस देनी होंगी। तो यहाँ पर ये तीनों लेवल की एग्ज़ाम होने वाली है यहाँ पर, और अलग अलग तीनों के लिए डिपार्टमेंट अलॉट होंगे। ये बेसिक सी एक आपको चीज़ थी, ठीक है? और आपका यहाँ पे स्कीम, सिलेबस एंड बाकी सब चीज़ें जो हैं वो आगे हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 21 फेब से स्टार्ट हो रही है, एंड इसकी 21 फेब से आपकी 20 मार्च तक आपकी चलने वाली है। तो 21 से 20 आपका यहाँ पर टाइम रहेगा, 1 मंथ के अराउंड यहाँ पर आपको समय दिया गया है, और रात में 11-12 बजे पहले पहले आपकी एप्लीकेशन भर जानी चाहिए 20 मार्च तक, ठीक है? और यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको 3 दिन एक्स्ट्रा मिले, 23 मार्च तक आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। चालान वाले भी 23 मार्च तक कर सकते हैं। अब उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे चालान वाले के लिए लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक 25 तारीख तक, तो माफ़ करिएगा 25 तारीख तक आप चालान वाले रहेंगे, और जनरेशन आपका चालान 23 तारीख तक हो जाना चाहिए। तो चालान के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की बात करूँ तो नेक्स्ट यहाँ पर जो इन्होंने डेट दी है वो थोड़ा अभी टाइम से दिए, यानी कि 10 जून से, यहाँ पर 10 जून से 12 जून के बीच दिए आपको। एप्लीकेशन के बाद थोड़ा टाइम मिलेगा, आप लोग तो तैयारी कर सकते हैं। जो CHSL आपकी CGL और इन MTS इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वैकेंसी भी है, मतलब वो लोग यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि उनके जो भी तैयारी वो कर रहे थे वो वहाँ यहाँ पर काम आ जाएगी। थोड़ा सा डिफरेंस है तीनों में, 10th लेवल के सिलेबस में, 12th लेवल के लिए सिलेबस में, और ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस में, अदरवाइज सारी चीज़ें सेम हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर बात मैं बता दूँ कि देखिए अलग अलग रीजन की, जो मैं बात बता रहा हूँ कि अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीक आपको वो पोस्ट मिल रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, तो वो आपको कैसे देखने कि आप कौन से रीजन में जाएं और कौन से रीजन में आप लोग सिलेक्ट करें या प्रेफरेंस दें। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डिटेल में इस जो आपको PDF है इसमें नीचे आपको मिल जाएगा कि क्या क्वालिफिकेशन कौन से डिपार्टमेंट की कौन से रीजन में है, क्या एज लिमिट है और क्या उसकी सैलरी और ये सब है, तो वो इसके PDF में मिल जाएगा। बट डिटेल में आप चाहते हैं कि काम क्या करना होगा, या फिर कितनी एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर क्या क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा चाहिए, सारी चीज़ें अगर डिटेल में चाहते हैं जानना, तो आपको ये एक इन्होंने लिंक बनाई है, जो आप अगर कैंडिडेट पोर्टल खोलेंगे आपका लॉगिन करके, तो उसमें आपको कैंडिडेट के डैशबोर्ड पर जाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाना है, वहां पर ये वाली पोस्ट सिलेक्ट करनी है जो फेज 7 की है, फेज 8 की है सॉरी, और यहां पर जाके आप पोस्ट डिटेल लिंक में जाएंगे, या पोस्ट डिटेल लिंक में आप जाके वहां पर आप अलग अलग रीजन सिलेक्ट करेंगे। अपना रीजन सिलेक्ट करने के बाद जो भी आप चाहते हैं देखना कि इस रीजन में अप्लाई करूं, उस रीजन में जाके आप अपना जो भी पोस्ट है उसके क्वालिफिकेशन, उसकी डिटेल आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, कितनी वैकेंसी निकली है उसमें डिपार्टमेंट में उस पोस्ट पे, और क्या उसमें आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं माफी चाहूँगा, यहाँ पे फेज 7 चल रहा था, जब से फेज 8 की बात यहाँ पर चल रही है, तो ये आपकी बेसिक सी चीज़ हुई। अब आगे हम इस डिटेल में और पढ़ते हैं इस चीज़ को।
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आगे जो एज रिलैक्सेशन होगा, फी कंसेशन होगा, रिजर्वेशन होगा, वो सेम में जैसे SSC का होता है वही रहने वाला है, SC ST वालों का, OBC वालों का, नॉन क्रीमी वालों के लिए, और EWS वालों के लिए, EMS वालों के लिए, और बाकी सब चीज़ें सेम ही रहने वाली है। एज लिमिट जो दे रखी है उस पर एज रिलैक्सेशन जो आपको मिलता है 2, 3, 4 साल, 5 साल जो भी रहता है पर्टिकुलर, वो उसकी टेबल पर आपको गिवन रहेगी, वो जो हर एग्जाम की रहती है उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रहने वाला है। बाकी PWD कैंडिडेट्स के लिए भी वही सेम रिलैक्सेशन है और रिजर्वेशन है। यहाँ देख लेंगे SC ST वालों के 5 साल एक्स्ट्रा रहेगा, OBC वालों के 3 साल, PWD वालों के 10, और PW+ OBC 13, और PW+ SC ST 15 साल, ऐसे एक सर्विस मैन और डिफेंस पर्सनलों के लिए, और बाकी सबके लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा एज रिलैक्सेशन, तो सेम वही रहेगा। और यहाँ पर अगर और हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं यहाँ पर आपको, ठीक है। आपके हाँ सर्टिफिकेट की भी क्रूशियल डेट आपकी जो EWS और आपके OBC नॉन क्रीमी वालों के लिए वो 20 मार्च ही रहेगी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, कि उसके पहले पहले आप नॉन क्रीमी में नहीं आने चाहिए और आप EWS में रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें रहेंगी बेसिक सी, तो आपको वो चीज़ का भी ध्यान रखना है कि उसके पहले आप नॉन उसके बा उसके पहले आप क्रीमी लेयर में नहीं आ रहे हो, तो ये चीज़ें हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करो तो उसके लिए भी क्रूशियल डेट है जो कि है 1 जनवरी 2020, यानी 1 जनवरी 2020 के पहले पहले आपकी सारी चीज़ें, एज हो या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, आप ग्रेजुएशन से अप्लाई कर रहे हैं, 10th हो गया हो या फिर 12th हो गया हो, 1 तारीख 1 जनवरी 2020 के पहले पहले अगर हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज उसके बाद होता है तो आप एलिजिबल नहीं होने वाले। तो यहाँ पर ये चीज़ ये ध्यान रखनी होगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर पोस्ट वेयर एक्सपीरियंस इज अ पर्टिकुलर फील्ड डिसिप्लिन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड हैज बीन इंडिकेटेड एज द एप्लीकेशन मस्ट फिल अ रिलेवेंट कॉलम ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड शैल बी सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट इन द सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम पोजीशन ऑफ एप्लीकेशन। अब यहाँ देखिए कुछ पोस्टों के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन, कुछ पोस्टों के लिए आपको आपका जो एक्सपीरियंस मांगा गया है कि जो भी साल होंगे वो आप, मैंने बताया ना डिटेल, आप जब पढ़ेंगे डिटेल पोस्ट के बारे में वहाँ पर आपको जो लिंक दे रखी है मैंने ऊपर आपको बताया था, कैंडिडेट पोर्टल पर जाके जो करना है वहां पर आपको मिल जाएगा किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए भी पर्टिकुलर रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स आपके लोगों के लगेंगे। वो कुछ ही पोस्ट होंगे जिनके लिए आपको एक्सपीरियंस यहां पर मांगा गया है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, और हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई वही है, आप कैंडिडेट लॉग इन करेंगे, वहां पर एक एक चीज है जो भी है आपकी फीस से लेकर आपका डाटा अपलोडिंग से लेकर, क्योंकि देखिए बेसिक अगर आपने लॉग इन कर रखा है पहले से, रजिस्टर कर रखा है, तो आपकी आधी चीज़ें तो ऑलरेडी फिलअप होती है, ठीक है। अगर आपको उसमें कुछ चेंज करना होता है तो चेंज करेंगे, अदरवाइज आप पेमेंट और आपका जो रीजन और ये सिटी वगैरह एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा वो भर के आप लोगों को ईजी वे में हो जाता है, काफ़ी जल्दी हो जाता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका अगर हो रखा है SSC में पहले से, नया करना है तो नए में आप पहले से डिटेल में सारी चीज़ें भरेंगे, बेसिक सी प्रोसीजर है पूरी यहाँ पर लिखी हुई है, और कुछ ज़्यादा उसमें तकलीफ वाली बात ही नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी आपकी 100 रुपये रहेगी जनरल और OBC कैंडिडेट वालों को, जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स कोई सी भी कैटेगरी के हों, कोई भी हो, उनके आपको 0 रुपीज़ लगेंगे, यानी फ़ी नहीं लगने वाली है, और बाकी SC ST वालों के लिए भी फ़ी नहीं लगने वाली है, PWD वाले और बाकी सब लोगों के लिए भी फ़ी नहीं लगने वाली है, तो सिर्फ जनरल OBC मेल कैंडिडेट को आपको 100 रुपीज़ का यहाँ पे पेमेंट करना होगा। चलिए एग्जाम सेंटर की बात करो तो एग्जाम सेंटर वही है जो आपके रहते हैं SSC की तरफ से, अलग अलग रीजन के अलग अलग आपके एग्जाम सेंटर्स होंगे, तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा एग्जाम सेंटर्स की कहाँ कहाँ आपको एग्जाम देने जाना हो सकता है अगर आप उस रीजन से भरते हैं तो यहाँ पर अलग अलग रीजन के अलग अलग एग्जाम सेंटर्स हैं। और यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करो तो 4 चीज़ें 4 पार्ट में होने वाले हैं, जनरल इंटेलिजेंस होने वाला है, जनरल अवेयरनेस होने वाला, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो जाएगा, बेसिक अरिथमेटिक स्किल। अब एक चीज़ बताऊँ कि आप 10th 12th और आपका जो ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम, तीनों लेवल की जो एग्जाम होंगी अलग अलग एग्जाम जो है उनमें एक चीज़ कॉमन रहेगी, सी पार्ट, जो कि होगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि 10th लेवल तक आएगा, बाकी सब में थोड़ा सा सिलेबस में डिफरेंस रहने वाला है, और कुछ सिलेबस में डिफरेंस नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया है हर चीज़ में। अगर 10th वालों के लिए जनरल इंटेलिजेंस थोड़ा सा कम टॉपिक है तो 12th के लिए थोड़ा ज़्यादा है, तो ग्रेजुएशन के लिए और ज़्यादा कर रखा है, नीचे आपको मिल जाएगा वो चीज़। यहाँ पर देखिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 25-25 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 2200 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और अगर एक गलत करता है तो 0.50 मार्क्स आपके कम हो जाएंगे, आपका 80 मिनट हो जाएंगे स्क्राइब वालों के लिए, और 60 मिनट का आपका ये पेपर होने वाला है 100 क्वेश्चन वाला, ठीक है। बाकी रिजर्वेशन आपको वही मिलने वाले हैं। अभी सिलेबस देखेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर कि आपको देखिए, आप मैट्रिकुलेशन लेवल की बात करो तो जनरल इंटेलिजेंस आपको यहाँ पर इतना पार्ट जो दे रखा है, वहीं अगर 12th की बात करूँगा तो 12th में थोड़ा ज़्यादा दे रखा है, तो अभी इनको सिलेबस को पढ़ लीजिएगा, लिमिटेड है। अगर आप 10th लेवल के लिए भर रहे हैं तो लिमिटेड ही आप जनरल इंटेलिजेंस करेंगे, जो कि टॉपिक यहाँ पर आपको दे रखे हैं। जनरल अवेलनेस की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी यहाँ पर आपको बता रखा है।
टेंथ में देखेंगे, 10+2 यानी आपका 12th लेवल की देखेंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा आपका सिलेबस बढ़ा दिया गया है और इंग्लिश में भी बढ़ा दिया गया है, इसी तरह से ग्रेजुएशन लेवल में और ज़्यादा कर दिया गया है। तो आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा, आप अगर अलग अलग लेवल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो। अगर आप सारी लेवल के लिए भर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के लिए भरते ही हैं तो ये इस चीज़ को करेंगे तो आपका वो 10th और 12th का तो कवर होना ही है, क्योंकि उनमें इनसे थोड़ा सा कम सिलेबस है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है आपकी स्ट्रेटेजी बनाते टाइम। चलिए, CBT एग्जाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में यहाँ बता रखा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वही है, आपका जो भी रीजन से आप भर रहेंगे, आपके जिस रीजन से भी सिलेक्ट हो रहे हैं उस रीजन में आपको जाके आपके रीजनल ऑफिस पे आके DV होगा। देखिए, एक एग्जाम होगी, यहाँ से एग्जाम होने के बाद आपका स्क्रूटनी होगी DV की और ये सब चीज़ें होंगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। किसी में अगर आप मेरिट लिस्ट आती है, मतलब किसी में अगर आपको स्किल टेस्ट मांगा या प्रोफिशिएंसी टेस्ट मांगा या कुछ भी मांगते हैं, टाइपिंग टेस्ट वगैरह किसी पोस्ट के लिए, तो वहाँ के लिए आपको वो भी एक्स्ट्रा एडिशनल करना पड़ेगा। वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, आपको क्वालिफाई करना है, वो करेंगे तो ही आप आगे मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। तो ये बेसिक सी चीज़ें होने वाली है, सिंगल एग्जाम होंगी, इसके बाद कुछ नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी। चलिए आगे हम और डिटेल में पढ़े तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो मैंने अभी बताया वही चीज़ यहाँ पे होने वाली है। ध्यान रखिएगा आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ध्यान से भरें, फोटो सिग्नेचर, ब्लड फोटोग्राफ्स और ये सब चीज़ें आपके रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स के रिजेक्ट हुए हैं, तो इन चीज़ों को आप ध्यान से रख के ही फॉर्म फिलअप करिएगा। आगे अगर एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो आपको लग रहा होगा कि कौन से रीजन से भरें हम और कौन से रीजन से नहीं भरें और कौन से लेवल की भर सकते हैं, सारे लेवल की भर सकते हैं क्या, या फिर एक रीजन के साथ साथ दूसरे रीजन की भी भर सकते हैं क्या। तो यहाँ पर देखिए उस चीज़ के बारे में डिटेल इन्होंने लिखा हुआ भी है और जो चीज़ आपको जाननी भी ज़रूरी है और उसके अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पर सारे फॉर्म फिलअप होंगे। तो यहाँ पर कॉमन कैंडिडेट्स की भी सीन है, का भी सीन है, जो कि मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। तो आप पहले तो मैं बता दूं कि आपको जो एग्ज़ाम है, आपकी एग्जामिनेशन जो है, आप अलग अलग रीजन से भी भर सकते हैं, अलग अलग लेवल पे भी भर सकते हैं, 10th 12th और ग्रेजुएशन पे भी भर सकते हैं। देखिए क्या रहेगा, क्या अलग अलग रीजन से अगर आप भर रहे हैं तो, और एक ही लेवल पे भर रहे हैं, यानी अलग अलग रीजन से आपने ग्रेजुएशन लेवल की सारी पोस्टें भरी हैं, कुछ भी भरी हैं, तो उनके लिए आपके सिंगल कॉमन कैंडिडेट होंगे, आप हर रीजन पर आपके मार्क्स पहुँच जाएंगे और आपके जो वो एग्ज़ाम होगा वो एक ही होगा, एडमिट कार्ड भी आपका एक ही आने वाला है, आपके सेंटर के अकॉर्डिंग आपको जाना होगा। बट अगर मैं बात करूँ आपको अलग अलग लेवल पर भरनी है तो अलग अलग लेवल, यानी 10th का भी भर रहे हैं, 12th का भी भर रहे हैं और ग्रेजुएशन का भी भर रहे हैं, तो अलग अलग के लिए अलग अलग एडमिट कार्ड्स होंगे और अलग अलग एग्जामिनेशन आपका होने वाला है उसके लिए, तो तीनों के लिए अलग एग्जामिनेशन आपको देना है। तो ये चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप अलग लेवल के लिए भर सकते हैं और अलग रीजन के लिए भी भर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो कॉमन आपका डाउट होने वाला था वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया और ये लिखा हुआ भी है, या इतने बड़े नोटिफिकेशन में मुझे मिस हो रहा है यहाँ पर किधर साइड है तो, बट यहाँ पर मैंने ध्यान दिया था एक जगह तो लिखा हुआ था वो चीज़। तो कॉमन कैंडिडेट का यह सीन रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अलग अलग रीजन भी भर सकते हैं और अलग अलग लेवल पे भी यहां पर आप लोग भर सकते हैं। बाकी इसे पढ़िएगा, कुछ अगर इसमें किसी चीज पे डाउट लगेगा आपको तो कमेंट करके पूछिएगा, टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा, वहां पे पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। यहाँ अलग अलग फॉर्मेट में सारे सर्टिफिकेट दे रखे हैं और नीचे देखिए यहाँ पर डिटेल ऑफ पोस्ट आपको मैंने बताई, आप डायरेक्ट पोर्टल पर जाके भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप नीचे आ गए ना, इसमें भी ये लिखा है, बट यहाँ के बजाय आप अगर लॉग इन करें, रजिस्टर करने का लॉग इन करें और लॉग इन करके जो पोर्टल पर एक चीज़ दी है ना, वो काफ़ी अच्छे से दी है और काफ़ी डिटेल में दी है और आपको काम क्या करना होगा उस लेवल पोस्ट पर, तो आपको ये भी पता चल जाएगा, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर फेस 8 के सारे डिपार्टमेंट जो भी यहां पर फेस 8 सिलेक्शन फेस 8 जो आपका रहेगा SSC का उसके अंदर आते हैं, वो आपको यहां पर दिख गया। रीजन वाइज देखिए यहां पर पोस्ट नंबर ये CR है तो सेंट्रल रीजन का लैब असिस्टेंट जियोलॉजी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर रहेगा। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखा है यहां पर 10+2, एज 18 से 25 दे रखी है, लेवल पे स्केल लेवल 2 दे रखा है, यहां पर वैकेंसी बता रखी है किस कैटेगरी में कहाँ कितनी टोटल है। ऐसी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग रीजन वाइज मिल जाएगी, मैं सारी नहीं पढ़ सकता, और आपको अपने रीजन या फिर आपको जो भी पोस्ट में इंटरेस्टेड हो वो आपको ध्यान रखना है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और वहाँ पर आपको सारी यहाँ पर नीचे डिटेल में दे रखी है। बट बेस्ट रहेगा कि आप अगर पोर्टल पर जाके वहाँ पर जाके आप डिटेल पोस्ट पढ़ें आपके लॉग इन करके, और वहाँ पर आपको सारी अच्छी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी, तो वहीं से आप लोग पढ़िएगा। चलिए, और कुछ डाउट रहता है इससे रिलेटेड तो ज़रूर पूछिएगा।
एग्जामिनेशन इसकी बेसिक्स ही है और आपको सिंगल एग्जाम है, उसके बाद डीवीएन ये सब होने वाला है, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे पढ़ेंगे वो पोस्ट जो है ना, देखिए यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ हायर सेकेंडरी 10+2 इस टाइप से, या फिर ग्रेजुएशन लिखा है या फिर टेंथ लिखा है मैट्रिकुलेशन, बट अगर किसी में एक्सपीरियंस चाहिए होगा तो वो आपको वहीं मिलेगा जब आप उस पोर्टल पर जाके पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ डिटेल में चीज़ें दे रखी है, यहाँ पर नहीं है। तो उसको पढ़ के ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे, एक्सपीरियंस अगर नहीं होगा आपके पास उस पोस्ट के लिए तो आप लोग वो लोग नहीं भरेंगे आप वो पोस्ट, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का बेसिक सा ध्यान रखना है। उसके अलावा कुछ भी डाउट होगा इस नोटिफिकेशन को आप देख लीजिए, इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए, एसएससी की वेबसाइट पे आ चुका है एंड डाउनलोड करके पढ़ेंगे आप इसको, कहीं पे कुछ डाउट होगा तो पूछेंगे, ठीक है। तो यही अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी मुझे, आई होप आप लोगों को सारी सी बेसिक सी चीजें जॉब से रिलेटेड आइडिया हो गया होगा, इस वैकेंसी से इस पोस्ट से रिलेटेड आइडिया हो गया होगा और फॉर्म फिलअप करेंगे आप लोग अब एंड टाइमली रहता है, सब चीज़ें फिलअप कर लीजिएगा। फेस एट का यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ फेस एट जो होता है एसएससी की तरफ से वो आया है और 1350 वैकेंसी प्लस है, मतलब 1350 प्लस वैकेंसी, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अदरवाइज CHSL MTS और ये सब चीज़ें तो आती हैं, बट ये जो फेस अलग अलग फेस की जो ये एग्जामिनेशन निकालता है, फेस 6 फेस 7 और फेस 8 SSC एक्सेट्रा, तो वो सभी की आपके लिए एक एडवांटेजेस और बोनस चीज़ें होती हैं कि आपको डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के मैं आपको अगर लगना है तो ये आपको एक एडिशनल मौका मिलता है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए इसके लिए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए और हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा पानी पियेंगे, जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाते आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।